हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो छोटी है पर फुल मज़ेदार वीडियो है। गोदी मीडिया की ये वीडियो है, तो हम ज़्यादातर गोदी मीडिया की वीडियो पर रिएक्शन देते हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिकमेंड की थी ये वीडियो मेरे को रिएक्शन देने के लिए, इसलिए मैं आपको लिए ले आया हूँ। तो आलोक शर्मा जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, जाने जाते हैं अपने लॉजिक के लिए, काफ़ी सारे डिबेट में आते हैं ये कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ज़्यादातर इन्हीं को भेजती है, तो काफ़ी सारे डिबेट में इनको देखा हुआ आलोक शर्मा ने। काफ़ी लॉजिक से बात करते हैं, तो इन्हीं की डिबेट है तो किस तरह से उन्होंने एंकर को जवाब दिया, तो वही है। तो इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा, बाद में वीडियो के बारे में बात करेंगे। देखिए, मोदी साहब का एक भाषण मुझे याद आ रहा है, आतंकवादी इकट्ठा करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है। आलोक जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, आपने कहा, मैंने ये कहा कि आप लोग तो एक लंबे समय तक सरकार में रहे ना, आप सरकार से बाहर हैं, तो शायद आप लोगों को समझ आ रहा हो कि आखिर इन सब चीजों के पीछे की वजह क्या है। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर बाकी मेहमानों के पास जाना है मुझे। आलोक जी, श्री नहीं एंकर कर, नहीं अगर ज्यादा समय नहीं हो तो मैं चुप भी बैठ सकता हूँ। आप पता कीजिए, शाइस्ता भी मिली कि नहीं मिली? ओ भाई साहब, आप लोगों में, शायद आप लोगों में डिबेट नहीं कर रहे हैं सर। मोदी जी का एक स्टेटमेंट चला दे, बात हमारे जवानों पर हो रही है, जल्दी से। अगर आपको करनी, शिरीन जी आप विपक्ष को बोलने नहीं देते। अरे सर, कैसी बात कर रहे हैं, आप ही को मौका दे रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं, चीखने चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। आलोक जी, आप ही को मौका दिया है मैंने, आप शाइस्ता पे जाएंगे तो रोकूंगी आपको मैं। विपक्ष के दो सेंटेंस पूरे नहीं होते हैं और मीडिया वाले तो ऑडियो भी मैंने सुनी, आप जो मोबाइल में लेकर आए वो भी मैंने अपने दर्शकों को सुनवाया। जल्दी से 30 सेकंड में पूरी कीजिए बात। सुनिए, शांति से सुनिए, मैं आपको, आपका भी चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ। ओ भाई साहब, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जवानों की शहादत पर हो रही डिबेट में गोदी एंकर सिरीन ने कांग्रेस नेता आलोक शर्मा से पंगा ले लिया। आलोक शर्मा ने गोदी एंकर की जम के क्लास लगा दी। विपक्ष को बीच में टोकना गोदी मीडिया का असल मकसद दिखाता है। आगे आप डिबेट में गोदी एंकर की शानदार धुलाई देखेंगे। पत्रकारिता के मूल भाव को भूल सत्ता की चाटुकारिता करने वाले इन पत्तलकार को ये डिबेट याद रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते है। पाकिस्तान चीन का गठजोड़, एक सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान कीमत चुकाएगा, ठीक है, आतंकवादी हमले पर सियासी सवाल, मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं तो सियासी हो गया सवाल, ये एबीपी न्यूज का लेवल रह गया। जी, मुझे लगता है आप विपक्ष को बोलने मत दो। आपको मंच मैंने दिया था, आपने नहीं अपनी बात रखी, सरकार से सवाल। अब मैं आपको मौका नहीं दे सकती, आपको रुकना पड़ेगा। बीजेपी आपको पैसा देती है इसका, सुनने दीजिए। नहीं, मैं उठ जाता हूँ अगर आप मौका नहीं देंगे। आपको मैं 30 सेकंड दे रही हूँ, आखिरी अपनी बात पूरी कर लीजिए। 30 सेकंड आखिरी आपको दे रही हूँ, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जो सवाल पूछना है जल्दी से पूछिए। बोलने दीजिए मुझे, मैं बोलूंगा। आप ही को इतनी देर से बोलने दे रही हूँ, बोलिए ना। देखिए, मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जब देश की सरकार गंभीर ना हो, विपक्ष में होते तो किस तरह के बयान आते थे। मैं आप ही एबीपी न्यूज के चैनल के ट्वीट से लेकर बैठा हूँ आज यहाँ पर। आप लोग कौन कौन से सवाल विपक्ष से करते थे, और आज पूरा का पूरा ठीकरा आप केवल और केवल पाकिस्तान पर और विपक्ष पर फोड़ देना चाहते हैं। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं। हम पूछना चाहते हैं भाई, आज मोदी जी हो, अमित शाह जी कब गए थे जम्मू कश्मीर में, कब जाकर वहां पर मीटिंग ली थी उन्होंने, 300 करोड़ के लिए जिस तरह के रिश्वत के आरोप लगे उसकी जांच कौन कर रहा है? ठीक है, जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार आपके 30 सेकंड भी पूरे हो गए। फ्रेंड्स, वीडियो छोटी थी पर बहुत अच्छी वीडियो थी। तो जिनकी ये वीडियो है उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जाके चेक कर लेना उनके चैनल को। नाम याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सी चैनल की वीडियो थी, बट मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं जाके चेक कर लेना। तो आलोक शर्मा है, बेबाक अंदाज से जाने जाते हैं। तो किस तरह से उन्होंने एंकर को बोलती बंद कर दी, तो एंकर को बोला अगर टाइम नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तो ये गोदी मीडिया है, एक तरफ की रिपोर्टिंग करता है पूरी। गोदी मीडिया को इसीलिए गोदी मीडिया कहते हैं क्योंकि पूरी तरह से एक तरफ झुक चुका है। तो अभी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, उन्होंने इंटरव्यू दिया था, यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिया था, और उन्होंने यूट्यूबर जो ये मीडिया है इनको इंटरव्यू नहीं दिया था, यूट्यूबर्स को बुलाया था। और अभी बेंगलोर में कर्नाटक में उनकी मीटिंग हुई थी सारी जो विपक्षी पार्टी है, तो उन्होंने बोला था कि हम जितना भी है एड वगैरह है इनको नहीं देंगे, इन गोदी मीडिया को, क्योंकि न्यूज़ तो उन्हीं की दिखाते हैं गोदी मीडिया की, तो इनको हम ना रेवेन्यू देंगे ना ही इनको इंटरव्यू देंगे, ये बात आई थी वहाँ पर। तो इस तरह से गोदी मीडिया का हो चुका है, क्योंकि एक तरफ की वो रिपोर्टिंग करता है तो दूसरी विपक्ष को बोलने नहीं देता, जबकि ये गलत है। लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ होता है मीडिया, पर यह मीडिया कितना ज़्यादा बदनाम हो चुका है इंडिया में, ये सब जानते हैं।
तो बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट थी। आई होप आपको ये डिबेट पसंद आई होगी। अगर आपको डिबेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं इस टाइप की वीडियो मैं और लाऊं आपके लिए तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम जितनी भी इस टाइप की वीडियो लाते हैं हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज से लाते हैं। हम किसी भी पार्टी के ना विरोध में है ना पक्ष में है। हम जो रियलिटी है आपको वो दिखाते हैं लाके। तो इस टाइप की वीडियो हम आपके लिए और भी लाते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।